क्या दोस्तों, आप भी एमएक्स टकाटक पर किसी यूजर को ब्लॉक करना चाहते हो? क्या आपको पता नहीं है कि एमएक्स टकाटक पर किसी यूजर को ब्लॉक कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एमएक्स टकाटक में किसी यूजर को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके। दोस्तों, एमएक्स टकाटक पर किसी यूजर को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एमएक्स टकाटक का ऐप ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने एमएक्स टकाटक का ऐप ओपन कर दिया है। अभी दोस्तों, जिस भी यूजर को आपको ब्लॉक करना है, उस यूजर का यहाँ से आप नाम सर्च कर लेंगे। अभी मैं रैंडमली किसी भी यूजर को ब्लॉक करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप जब नाम सर्च करेंगे तो इधर आपको उस यूजर की प्रोफाइल दिखेगी, तो आपको सिंपल से उस यूजर के नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जैसे हमने इधर इस यूजर के नाम पे क्लिक कर दिया। इस यूजर के नाम के ऊपर क्लिक कर देने के बाद, अभी समझो इनको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो सिंपल से ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, तो आपको सिंपल से इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर दिया है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, और नीचे इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का, तो आपको सिंपल से इस ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ पॉपअप ऐसा एक मैसेज आ जाएगा, तो आपको इधर एक ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल से इधर फिर से ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अभी आप देख सकते हैं, इस पर्सन को हमने अभी ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं एमएक्स टकाटक में।